हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ मैं चर्चा करूंगा सामाजिक नियंत्रण की। जी हाँ, अंग्रेजी के सोशल कंट्रोल का हिंदी अनुवाद सामाजिक नियंत्रण। ये दो शब्द हैं इसमें, सामाजिक और नियंत्रण। जब हम सामाजिक की बात करते हैं तो सामाजिक का अर्थ होता है समाज, समाज से संबंधित, समाज के बारे में जब चर्चा की जा रही है वो सामाजिक है। समाज एक पुरानी व्यवस्था है और नियंत्रण मतलब उसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति पे या व्यवस्था पे किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाना। प्रतिबंध ऐसा नहीं कि उसको बंद कर देना, प्रतिबंध लगाने का मतलब है कि उसको रोकना। जब हम सामाजिक नियंत्रण की बात करते हैं तो उसका अर्थ है कि समाज को व्यवस्थित रखने के लिए उस पे किसी प्रकार का आंतरिक या बाह्य दबाव के माध्यम से नियंत्रण करना, व्यवस्था को रोकना। समाज साथ में सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं कि ये 182 साल पुराना विषय है, 1838 में शुरुआत हुई थी, लेकिन 1894 में सबसे एल्विन वुडवर्थ स्मॉल और जॉर्ज एडगर विंसेंट ने समाज शास्त्र में सामाजिक नियंत्रण शब्दावली का प्रयोग किया, लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं हुई। अगर हम देखें तो सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में थॉमस हॉब्स ने भी सामाजिक नियंत्रण की चर्चा की है। सामाजिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, सामाजिक व्यवस्था किस बात से चलेगी। आपराधिक व्यवहार, व्यक्ति के आपराधिक व्यवहार यानी व्यक्ति जब विचलनकारी व्यवहार करता है, समाज विरोधी कार्य करता है, तो उसको रोकने के लिए, उसको प्रतिबंधित करने के लिए सारे बेकेरिया ने आपराधिक व्यवहार के संदर्भ में चर्चा की थी। एक और समाजशास्त्री हैं प्रख्यात एमएल दुर्खिम ने, उन्होंने अपनी किताब ही लिखी है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, उसमें सामाजिक नियंत्रण की विवेचना की है। सामाजिक एकता, जिसमें दो प्रकार की एकता समाज में बताई, उन्हें एक सावधि एकता होती है और एक यांत्रिक एकता। सावधि और यांत्रिक एकता वास्तव में उनका जो सिद्धांत है, ये जो अवधारणा है सामाजिक एकता की, ये कहीं ना कहीं सामाजिक नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में ही है। लेकिन विधिवत अगर प्रयोग देखें समाज शास्त्र में, सबसे पहले 1901 में एडवर्ड ए रॉस ने किया। रॉस ने सामाजिक नियंत्रण को परिभाषित भी किया, विश्लेषित भी किया, उसकी विशेषताएं भी बताई, उसके उद्देश्य भी बताए। तो रॉस को अपन कह सकते हैं कि समाज शास्त्र में सामाजिक नियंत्रण के प्रथम जो अवधारणाएं प्रस्तुत करने वाले हैं वो एडवर्ड रॉस हैं। वो कहते हैं समाज के भीतर, समाज किसी भी समाज के भीतर जो व्यवस्था है, समाज के अंतर्गत जितने भी समाज उनकी जो व्यवस्था है, उसकी नींव जो है, नींव का एक पत्थर सामाजिक नियंत्रण भी है। और आप देख रहे हैं कि 20वीं सदी से ही सभी शिक्षाविद जो है सामाजिक नियंत्रण का अध्ययन कर रहे हैं। सामाजिक नियंत्रण के लिए जो रॉस कहते हैं कि कानून सामाजिक नियंत्रण का सबसे अधिक विशेषीकृत और अत्यधिक स्पष्ट इंजन है। उन्होंने कहा है कि एक इंजन है, मतलब सामाजिक नियंत्रण एक ऐसा इंजन है जो कि कानून का एक माध्यम को लिया उन्होंने, कि सामाजिक नियंत्रण का एक माध्यम जो कानून है वो सबसे अधिक विशेषीकृत, अधिक स्पष्ट है, जो स्वयं समाज को क्रियाशील करता है। वहीं प्रख्यात मानवशास्त्री मेलनॉस्की तो कहते हैं सामाजिक नियंत्रण में कानून की शक्ति उसके विभिन्न कार्यों से संबंधित है। देखा जाए तो सामाजिक नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य समाज को अव्यवस्था से बचाना है। समाज में अगर किसी प्रकार की मानवीय व्यवहारों के द्वारा या किसी और माध्यम से कुछ अव्यवस्था फैलती है, उन सभी अव्यवस्थाओं को रोकने का मुख्य उद्देश्य सामाजिक नियंत्रण है। तो भविष्य और सामाजिक नियंत्रण क्या करता है, अव्यवस्था को तो रोकता ही, अव्यवस्था को रोकने के साथ साथ भविष्य में इसके अस्तित्व को भी, समाज का अस्तित्व कैसे बना रहेगा इसको भी कायम रखता है। आपने देखा होगा आज आधुनिक उसमें राज अपने नियम, राज के जो नियम है, राज के जो कानून है, राज की जो मर्यादाएं हैं, राज के जो आचार हैं, उनको तोड़ने या उल्लंघन करने वाले को दंड देता है। अभी आप देख ही रहे हैं कि जहां भी अगर समाज के विरोध में या कानून के विरोध में कुछ बात होती है तो सरकार उसका दमनात्मक प्रयोग भी करती है, दंडात्मक प्रयोग भी करती है। और समाज क्या करता है, समाज के अंतर्गत सामाजिक नियम कानून को तोड़ने वालों को तो राज दंडित करता है, लेकिन लोगों के व्यवहारों में निश्चितता और एक रूपता बनाए रखने का काम सामाजिक नियंत्रण करता है। तो ये नियम जो है, अगर हम देखें कि नियम कानून ना हो तो कोई भी राज या कोई भी समाज व्यवस्था स्थायी रूप से नहीं चल सकती। नियम कानून के अभाव में कोई भी समाज चल ही नहीं सकता। सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया जो है समाज को संतुलित ढंग से संचालित करती है। आज लगभग 5000 साल से हमारा जो समाज चल रहा है 3 अलग अलग फेज में, आदिम अवस्था थी,
फिर ग्रामीण समाज आया, फिर औद्योगिक समाज आया और अब तकनीकी समाज। ये चार स्टेजेस अगर हम देखें, इन चारों स्टेजों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से सामाजिक नियंत्रण उपलब्ध रहा है। सामाजिक आदिम समाज में जब व्यक्ति अकेला रहता था, व्यक्तिवादी था, व्यक्ति अकेले रहता था, अपने अकेले जीवन यापन करता था, लेकिन उस वक्त भी कुछ ना कुछ प्राकृतिक नियम या सामाजिक संदेशों के तहत वो कहीं ना कहीं नियंत्रित रहता था, उतना अव्यवहारिक नहीं था। लेकिन जब से मनुष्य ने साथ में रहना शुरू करा, समूह में रहना शुरू करा, समूह के बाद ग्रामीण समाज हो या फिर आपका औद्योगिक समाज हो या आपका तकनीकी समाज, इन तीनों सोसाइटीज में नए नए प्रकार के नियम कायदे कानून बनते गए, चाहे वो परिवार के रूप में समाज में नियंत्रण हो या पड़ोस के रूप में हो या जनरीतियों के माध्यम से हो, प्रथा परंपराओं के माध्यम से हो या सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों के माध्यम से हो, धर्म के माध्यम से हो, जनसंचार के साधनों के माध्यम, सभी के माध्यम से कहीं ना कहीं समाज को व्यवस्थित करने का काम, समाज में स्थिरता बनाए रखने का काम सामाजिक नियंत्रण कर रहा है। एक समाज शास्त्री हुए हैं पी लैंडिस ने तो यहाँ तक कहा है कि सामाजिक नियंत्रण के कारण ही प्रत्येक मानव मानव है। अगर समाज में से नियंत्रण को अलग कर दें, हम समाज में से नियंत्रण को एबोलिश कर दें, तो मानव मानव नहीं रहेगा। वहीं जेज फिक्टर कहते हैं, एक और समाजशास्त्री जेज फिक्टर ने तो कहा है हमारे मनुष्य का जो समाजीकरण होता है, जो सोशलाइजेशन होता है, सोशलाइजेशन का एक्सपांसन या विस्तार जो है वो सामाजिक नियंत्रण के कारण होता है। सामाजिक नियंत्रण के विस्तारीकरण में, सामाजिकरण के विस्तारीकरण का काम सामाजिक नियंत्रण ही करता है। तो नियंत्रण और आप देखो नियंत्रण क्या है, समाज के नियम आदर्श हैं जो समय के साथ साथ स्वतः विकसित होते हैं, ये अलिखित नियमों से चलता है। सामाजिक नियंत्रण दो प्रकार से, एक राज के द्वारा चलाया जाता है वो कानून, और समाज के द्वारा जो चलाया जाता है वो सामाजिक नियंत्रण क्या है, वो समाज के नियम और आदर्श होते हैं, मानक होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, जो समाज में स्वतः ही विकसित होते हैं, ये अलिखित होते हैं, इनका कोई लिखित नहीं है। जैसे झूठ बोलना नहीं चाहिए, झूठ बोलना पाप है, अपने बड़ों का मान सम्मान कीजिए, ये कोई नहीं अलिखित है, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, नदी को नदी की पूजा करना, प्रकृति की पूजा करना, ये सब अलिखित हैं, ये आदर्श हैं समाज के, इन आदर्शों के तहत ही समाज चल रहा है। लेकिन जब लिखित नियम आ जाते हैं, राज जो है लिखित नियम कानून से चलता है, वो योजनाबद्ध तरीके से निर्मित करता है। जैसे अभी कोविड आया था, कोविड-19 का दौर, आपने देखा कि राज ने बहुत सारे नियम कायदे कानून लगा दिए कि आप समूह में नहीं चलेंगे, मुंह पे मास्क लगा के चलेंगे, सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे, किसी भी प्रकार से कहीं छींकने या आपको किसी प्रकार की सर्दी खांसी होती तो आप आइसोलेशन में चले जाएंगे, ये कुछ चीज़ें सरकार के गाइडलाइन था। फिर आपको कोविड ऐप रखना पड़ेगा, आपको वैक्सीनेशन कराना है तो उसका सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा कि आप वैक्सीनेट हो या नहीं हो, ये सारे चीज़ें सरकार ने स्पष्ट नियम दिए थे। सड़क पे बाएं हाथ से चलना चाहिए, लाल बत्ती होने पर रुकना है, ये नियम है, लिखित नियम है। ट्रेन में यात्रा करना है टिकट लेकर, अगर बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए तो आपको 6 महीने की सजा भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है, ये लिखित है। ये आप ये नहीं कह सकते मुझको नहीं मालूम, क्योंकि इसकी इसका प्रचार प्रसार भी सब कुछ किया जाता है। जैसे कोविड में सरकार ने कहा था कि दाह संस्कार में 5 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे, मैरिजेस वगैरह में लड़की के 20 और लड़के पक्ष के वर पक्ष और वर पक्ष के 20-40 आदमी रहेंगे, ये लिखित था। अब आप ये नहीं कह सकते तो उसमें प्रतिबंधित भी हुए हैं लोग, जिन्होंने इसका उल्लंघन किया उनको प्रतिबंधित भी किया गया, उन पर जुर्माना भी लगाया गया। तो ये राज होता है और नियंत्रण समाज के द्वारा अलिखित नियम आदर्श होते हैं। अदि समाज अगर हम देखें, समाज अपने सदस्यों के आचरण व्यवहारों पर नियंत्रण ना रखे, उनके आचरणों को उनके व्यवहारों को खुला छोड़ दे, तो आप देखें कि समाज धीरे धीरे डिटोरेशन होने लगा, समाज का समाज समाप्त होने लगा। वर्तमान में जो समाज अस्तित्व में है उसमें सबसे प्रबल भूमिका किसी भी सामाजिक क्रिया की अगर है, समाज में बहुत सी सामाजिक क्रियाएं, सोशल एक्शन, सोशल प्रोसेस बहुत सी होती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया अगर समाज के अंतर्गत चल रही है तो वो सामाजिक नियंत्रण की है, सोशल कंट्रोल की है, और इस सोशल कंट्रोल के कारण ही समाज अस्तित्व में है। समाजशास्त्री हल्टन और हंड कहते हैं कि सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग उन सभी माध्यमों और प्रक्रियाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। हल्टन और हंड कहते हैं समाजशास्त्रियों द्वारा सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग उन सभी माध्यमों और प्रक्रियाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जिनके द्वारा एक समूह या एक समाज अपने सदस्यों के व्यवहारों में अनुकूलन और अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप लाने में सफल होता है। जब अपने व्यक्ति के व्यवहारों के अनुकूलन करना चाहता है, उनसे जो अपेक्षाएं रखता है
उनको अपने अनुरूप लाने में सफल होता है तो उसके लिए सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है। गार्डन मार्शल नाम के एक समाजशास्त्री हैं, वो कहते हैं सामाजिक नियंत्रण सामाजिक व्यवस्था और स्थिरता का एस्कॉर्ट है, अनुरक्षण एस्कॉर्ट है, सामाजिक व्यवस्था और स्थिरता का मापक है सामाजिक नियंत्रण। जब अनुरक्षण का कार्य दो माध्यम से होता है, एक सामाजिकरण से और बाह्य माध्यम, तो सामाजिकरण आंतरिक रूप से होता है और बाह्य रूप से सामाजिक नियंत्रण कानून के माध्यम से होता है। समाज में नियंत्रण एकाएक नहीं आया, हर समाज के अपने मानक होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, नियम होते हैं, और सामाजिक मानक ही समाज की वे अवधारणाएं हैं जो बताती हैं कि किसी विशेष संदर्भ में, किसी विशेष समय में व्यक्ति के समूह के सदस्यों के व्यवहार कैसे होना चाहिए। ये मानव के साथ में एक अनौपचारिक इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है। सामाजिक मानक या सोशल जो आपके स्टैंडर्ड हैं, हर समाज के जो समाज में नियंत्रण रखने के लिए कुछ मानक या समाज के आदर्श होते हैं, ये समाज में मनुष्यों के द्वारा एक मनुष्य के साथ किया गया अनौपचारिक समझौता है जो समाज में व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करता है। मनुष्य भी क्या करता है, समाज द्वारा गए अपनाए गए जो आदर्श व्यवहार हैं उनको अपनाता है। ये हो गया उसके स्टैंडर्ड, मानक तो वही चीज हुई ना जो समाज द्वारा अपनाए गए मानव के आदर्श व्यवहार। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में इन मानकों की विशेष भूमिका है। सामाजिक व्यवस्था को अगर बनाए रखने में तो हम देखेंगे आदिकाल से आज तक ये स्टैंडर्ड या इन मानकों की विशेष भूमिका है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ मानक होते हैं, जैसे झूठ ना बोले, मुसीबत के समय मदद करें, विवाह के बाद ही यौन संबंध हो, व्यापार में लाभ हानि दोनों का संतुलन होना चाहिए। और कानून की जब हम बात करें, ये तो स्टैंडर्ड है, मानक है, अलिखित हैं, लेकिन इनका पालन कर रहे हैं। जब हम कानून की बात करते हैं तो देखिए, दहेज लेना देना पाप है, तो दहेज प्रथा पे कानून बनाए, अछूत उत्थान पे कानून बनाए, सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है, हिंदू दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम 1956, ये सारे नियम हैं, ये सरकार के द्वारा बनाए गए, इनमें संशोधन भी होते हैं। तो कानून क्या करता है, सामाजिक कुसंस्कार और निश्चितता का उन्मूलन करता है। अगर कानून नहीं होता तो हमारे यहाँ अस्पृश्यता का रूप इतना जो उसमें सुधार हुआ है नहीं हो सकता। दहेज प्रथा नहीं रुकती, सती प्रथा नहीं रुकती, बहुत सी चीज़ें जो रुकी गई हैं वो कानून जो हमारे यहाँ के कुसंस्कार हैं और निःशक्तता है उनका उन्मूलन करने में कानून का योगदान है। बृहद स्तर पर समाज में जो तंत्र कानून है, अदालतें, पुलिस, सामाजिक नियंत्रण, भारत समाज में अगर हम देखें तो समाज में नियंत्रण के लिए आपको तीन चीज़ें देखेंगी, एक कानून देखेगा, अदालत देखेगी, पुलिस देखेगी। लेकिन ये सब माइनर है, ये गौण है, इनका उतना असर नहीं है। जितना सबसे ज़्यादा प्रभावी अगर है तो नैतिक संहिताओं का आंतरिकरण है, जो नैतिक हमारे कोड ऑफ मॉरल है उसका आंतरिकरण करना। जब तक नैतिक संहिताओं का आंतरिकरण नहीं होगा, आपका कानून, पुलिस और जेल कुछ नहीं कर सकती है। तो आपने कानून बहुत से बनाए हैं, आज़ादी के बाद से कितने कानून चल रहे हैं, आज़ादी के पहले भी और बाद में भी, जेलें भी हैं, हर जिले में जेल है, कानून है, पुलिस भी है, लेकिन क्या आपके अपराध रुके हैं? कर्नाटक में एक चंदन तस्कर वीरप्पन, वो तो साफ कहता था मेरा कानून है, सरकार का कानून सरकार का है, मैं सरकार के कानून को, सरकार की व्यवस्था को नहीं मानता, और उसकी सत्ता अपने आप चलती थी, वो तो साफ उसका कहना था। अभी एक फिल्म आई थी कश्मीर फाइल, उसमें एक डायलॉग भी था कि सरकार किसी की भी हो, कानून किसी का भी हो, लेकिन सिस्टम हमारा चलता है। तो ये कुछ समाज के माफिया हैं, वो वास्तव में अपना ही सिस्टम चलाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा ना, नैतिक संहिताओं का जब तक आंतरिकरण नहीं होगा समाज में नियंत्रण नहीं हो सकता। बच्चा बड़े होते हुए सब कुछ सीखता है, बच्चे का जन्म होता है, जन्म होने के साथ धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख लेता है, क्या अच्छा है क्या बुरा तो नहीं मालूम, लेकिन समाज में रह के देख लेता है। जिन आपराधिक परिवारों में जिन बच्चों का जन्म होता है वो आपराधिक गतिविधियों को उनके लिए अच्छी लगती है, जो सामाजिक परिवारों में या सामाजिकृत रूप से जो अच्छे परिवार उनमें जो बच्चा जन्म लेता है उसके लिए सब गलत होते हैं, उसके लिए चोरी करना, भूत लेना गलत है। तो ये सारी चीज़ें बच्चा अच्छा बुरा सब सीखता है। समाज के सभी सदस्यों की नैतिक संहिताओं को स्वीकृत करने के लिए प्रेरित करने में सक्षम होता है। पुलिस सामाजिक नियंत्रण के साधनों का उपयोग करने की जरूरत है पुलिस के लिए, लेकिन आंतरिकीकरण जो है ये आपको कराता है। 1950 में अमेरिकी समाजशास्त्री डेविड रीजमैन ने भी कहा था, सामाजिक नियंत्रण का सबसे इफेक्टिव रूप जो है आंतरिक निर्देशन है या विवेक का नियंत्रित होना है।
आंतरिक निर्देशन लोगों के विवेक को जानबूझकर कानून तोड़ने की अनुमति नहीं देता। अभी आपने देखा होगा इंदौर में स्वच्छता अभियान चल रहा है, तो आंतरिक नियंत्रण से आया ना, बाकी मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में वो चीज उतनी सक्सेस नहीं हुई जितनी इंदौर में हो गई। इंदौर का हर आदमी स्वच्छता के प्रति संकल्पित है, वो नियम नहीं तोड़ रहा, लेकिन बाकी जगह अभी भी आपने देखा हो कई शहर ऐसे हैं गाड़ी में आप जा रहे हैं थूकते हुए चलते हैं, पान गुटखा खाएंगे मुंडी करेंगे और थूक देंगे, चाहे कार से हो चाहे बाइक में, लेकिन इंदौर में ये हरकत नहीं मिलती क्योंकि स्वतः नियंत्रित हैं वो इंदौरवासी, और इंदौर वासियों के स्वतः नियंत्रित होने से, आत्म केंद्रित होने से, विवेकीकृत होने से वहाँ पे स्वच्छता अभियान नंबर वन पे इंदौर को ला रहा है, जबकि दूसरे जिलों में नहीं। लेकिन दो हैं, रिसमैन कहते हैं एक तो स्वतः नियंत्रित होना चाहिए, दूसरे जो जिनके लिए जो करते हैं उल्लंघन वो उसको बुरा तभी महसूस करते, पहले बुरा नहीं मानते, वो कानून तोड़ने को बुरा नहीं मानते, लेकिन जब नियम तोड़ने पे कानून तोड़ने पे पकड़े जाते हैं तब उनके वो लगता है कि यार मैंने गलत किया। जैसे अभी परीक्षाएं चल रही हैं, परीक्षा में अगर कोई लड़का नकल करता है तो नकल करने को बुरा नहीं मानता, लेकिन जब उसका प्रकरण बन जाता है नकल प्रकरण तब उनको लगता है हाँ मैंने गलत किया। ट्रैफिक नियम तोड़ने पे ड्राइवर द्वारा जब नियम, ड्राइवर तेजी से चलाते हैं ओवरटेकिंग करते हैं, जब नियम पकड़े जाते हैं नियम तोड़ने में तब उसको लगता है कि हाँ मैंने गलत करा। तो ये रेसीमैन का कहना था कि दो प्रकार के, एक आंतरिक नियंत्रण होता है और एक बाह्य नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण के अलग अलग प्रकार भी बताएं, सामाजिक नियंत्रण की कई अभिकरण हैं, कई एजेंसी हैं, परिवार है, प्राथमिक समूह हैं, लोक रीतियाँ हैं, धर्म है, नेतृत्व है, प्रथा, कानून, राज, शिक्षा, जनसंचार के साधन, ये सब एजेंसियाँ हैं। अब इसके लिए एक निश्चित व्यवस्था है जो कैसे चलेगी, इसके लिए अलग अलग प्रकार के प्रकार बताएं। जैसे कार्ल मैनहेम की किताब है मैन एंड सोसाइटी, उसमें उन्होंने सामाजिक नियंत्रण की चर्चा करते हुए दो प्रकार बताए, एक प्रत्यक्ष नियंत्रण की बात करिए, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जैसा कि नाम से है कि निकट के व्यक्ति और समूह के द्वारा किया जाता है, ये बहुत अधिक प्रभावी होता है। जैसे कोई व्यक्ति का शराब पीता है तो उसकी पत्नी उसके बच्चे मना करते हैं, डायरेक्ट मना करते हैं, अगर नहीं मानता पति तो परिवार के लोग अनशन में बैठ जाते हैं, ये प्रत्यक्ष नियंत्रण। अप्रत्यक्ष क्या है, नियंत्रण की बात सीधे इसमें नहीं की जाती, तो नियंत्रण की बात सीधे नहीं की जाती, जैसे सड़क किनारे पर लिखा रहता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। गुरविच और मूर ने दो प्रकार से नियंत्रण बताया, संगठित असंगठित। संगठित ऑर्गेनाइज कंट्रोल, जो नियमों के आधार पर किसी संगठन के द्वारा किया जाता है, फैक्ट्री के मजदूरों का नियंत्रण फैक्ट्री द्वारा, विश्वविद्यालय परीक्षा में विद्यार्थी के गलत कार्य करने पर नियंत्रण विश्वविद्यालय द्वारा। असंगठित नियंत्रण अनऑर्गेनाइज कंट्रोल वो है पूर्व निर्धारित योजना के द्वारा इसे नहीं किया जाता, जैसे परिवार, परिवार में असंगठित है रूप से नियंत्रण किया जाता है। मैकाइवर पेज ने सोसाइटी नाम की किताब में दो प्रकार के बताए, एक औपचारिक अनौपचारिक, फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल वो है जब पूर्व निर्धारित नियम का उल्लंघन करता है कोई, तो वो जैसे व्यापारी संगठन, कंपनी, बैंक, कॉलेज, ये सब नियम है, अगर आप उसका पालन नहीं करेंगे तो उस पर नियंत्रण करा जाएगा, दंडित किया जाएगा। औपचारिक अनौपचारिक पहले से तय नहीं, परिवार में तय नहीं, पंच तय नहीं करता, पंच अपने हिसाब से काम करता, पड़ोस में नहीं, तो ये सारे अनौपचारिक रूप से व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं। कि मॉल यंग ने दो प्रकार के बताए, एक सकारात्मक पॉजिटिव, एक नकारात्मक। जब किसी प्रकार के निर्देश, डायरेक्शन, सलाह या इशारे किए जाते हैं तो वो सकारात्मक। लाल बत्ती इशारा है कि आप रुक जाइए, हरी बत्ती इशारा है कि आप चालू होइए, ये नियंत्रण करना है। नकारात्मक आपको दंडित करना, आपको समाज में तिरस्कार करना, आपकी निंदा करना, ये नकारात्मक है, मतलब आपको निगेटिव कर दिया, आपको बाहर कर दिया। सी एच कूले ने सोशल प्रोसेस नाम किताब में दो प्रकार के हैं, चेतन अचेतन, कॉन्शियस अनकॉन्शियस। वो कहता है जब व्यक्ति जानता है कि उस पर नियंत्रण हो रहा है तो वो चेतन है, जब व्यक्ति नहीं जानता है, बिना किसी उसके अगर नियंत्रित होता है वो अचेतन है। जैसे आपको परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख दी गई, अगर आप उसके बात करोगे तो आप पे फाइन लगेगा, ट्रैफिक नियम तोड़ोगे दंड करोगे, अगर दंड नहीं कर चुकाओगे तो फाइन भी लगता है, ये चेतन है, कॉन्शियस है, व्यक्ति जानता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा करूँगा तो ये होगा। अचेतन आपने देखा होगा सामान्य, आजकल तो टॉकीज का जमाना चला गया, लेकिन जब टॉकीज में व्यक्ति जाता था बिल्कुल शांत होकर पिक्चर देखता, वो अपने आप के हम को पिक्चर देखना है, मनोरंजन लेना है तो शांत हो जाता था। मेडिटेशन करता है, पूजा पाठ करता है, शांत हो जाता है, कि अचेतन है, अनकॉन्शियस है कि उसको मालूम है हमको शांत रहना है। एक और है जे एच फिक्टर समाजशास्त्री, उन्होंने दो प्रकार, समूहगत नियंत्रण, ग्रुप वाइज
कंट्रोल और संस्थागत इंस्टीट्यूशनल वाइज कंट्रोल। जब समूह के द्वारा परिस्थितियों के अनुरूप व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है उसे समूहगत नियंत्रण कहते हैं, और नियम कायदों के आधार पर करा जाता है तो उसे संस्थागत नियंत्रण कहते हैं इंस्टीट्यूशनल। तो ये सामाजिक नियंत्रण इसलिए आवश्यक है, तो अगर आप देखेंगे समाज में नियंत्रण ना किया जाए, समाज में व्यक्ति के व्यवहारों को ना रोका जाए तो व्यक्ति मनमानी करने लगता है। आज क्या हो रहा है वर्तमान में, आज अराजकता फैल रही है। हम कहते हैं ना समाज में कंट्रोल नहीं है, समाज में नियंत्रण नहीं है, सब मनमानी हो रही है। उस मनमानी का पूरा कारण यह है कि समाज व्यवस्था हमारी अव्यवस्थित हो गई, व्यक्तिवादी समाज हो गया। ग्लोबलाइजेशन ने सबको स्वतंत्रता दे दी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे दी है, अपने व्यवहारों की उच्छृंखलता की स्वतंत्रता दे दी है, और वो धीरे धीरे जो है लॉ का कानून का दबाव जो है, ये जो एजेंसी है ना, ये धीरे धीरे कम हो रही है। मैंने पहले ही कहा था सामाजिक नियंत्रण क्या है, एक व्यवस्था है, साध है, और कानून साधन है, कानून है, प्रथा परंपराएं, साधनों के माध्यम से हम साध्य को प्राप्त करते हैं, कौन से, सामाजिक नियंत्रण। तो सामाजिक नियंत्रण वास्तव में आज एक चिंतनीय विषय है, सामाजिक नियंत्रण जो कमजोर होता जा रहा है, एक चैलेंज है लोग समाज के सामने, व्यवस्थाओं के सामने, सरकार के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि समाज को नियंत्रित कैसे करा जाए, समाज में नियंत्रण कैसे लाए। ये सामाजिक नियंत्रण पे आज मैंने आपसे चर्चा की है, एक महत्वपूर्ण विषय है, इस पर आप भी करिए। अगर इसमें कुछ और आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, आपको ऐसे ही नए नए विषयों की जानकारी मिलेगी। इसको सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक।